इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आई है। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से कूदा एक शख्स। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के अंदर दिखा डर का माहौल। पकड़ो पकड़ो करके आवाज सुनाई दे रही थी और आज ही के दिन 2021 में संसद पर हमला हुआ था। 13 दिसंबर 2021 के दिन भारतीय संसद में सुबह आमतौर पर रोज की गहमागहमी थी। शीतकालीन सत्र चल रहा था और अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर में आतंकवादी इस परिसर में घुसकर आतंक फैलाने वाले हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था कि आतंकवादी यह हरकत भी कर सकते हैं। पूरा देश सन्न था कि आखिर संसद पर हमला कैसे हो सकता है। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकी ग्रुप के आतंकवादियों ने किया था। आतंकवादियों की संख्या 5 थी। ये सभी हथियार बंद थे। उन्होंने संसद भवन पर बमों और गोलियों से हमला किया। इस हमले में 14 लोग मारे गए थे। इस हमले में शामिल 5 आतंकवादी भी थे। 8 सुरक्षाकर्मी और 1 माली भी इस हमले में शहीद हुए थे। संसद परिसर में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आतंकवादी AK-47 लेकर एक सफेद एम्बेसडर कार से संसद परिसर में घुसे। शुरू में तो आतंकवादी जिस तरह कार के अंदर घुसे उससे सुरक्षाकर्मी को नहीं लगा कि वो आतंकवादी है, लेकिन बाद में परिसर में उनकी हरकतों से अंदाजा हो गया कि सेना की वर्दी पहनकर संसद परिसर में घुसे लोग गलत इरादे लेकर आए थे। वो दिन अभी तक कोई नहीं भूला है, लेकिन आज जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है, एक बार फिर से लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आ रही है। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से एक शख्स कूदा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।